हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू। पार्ट वन इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। ये सभी क्वेश्चन SSC GD के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। साथ ही साथ RPF और RRB JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको भी वीडियो मिस नहीं करनी है। फिर लगातार सेपरेट चैप्टर वाइज भी वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, रीजनिंग की हो चाहे मैथ की हो चाहे रात को ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो हो, तो आपको नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा। आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की, उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप साथ ही साथ ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जो भी आपके आंसर्स आएँ उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा धुआं प्रदूषण, फिर युद्ध किससे संबंधित होगा? तो धुएं से जैसे प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होता है भाई? हानि होती है, लाभ होता है, मृत्यु होती है, विनाश होता है, तो युद्ध से आपका विनाश होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपको इस वीडियो में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब टाइप की क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है? बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर टू है, BEHK को क्या लिखा जा रहा है? YVSP, तो CFIL को क्या लिखा जाएगा? तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीनों टाइप के मैंने करा दिया आपको, ठीक है, मतलब करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिखे हैं ये अपोजिट हैं इसके, यानी कि बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। और के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पर CFIL को, तो सी का अपोजिट क्या होता है भाई? एक्स होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। और एल का अपोजिट आपका ओ होता है। तो एक्स यू आर ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स यू आर ओ। बात आती है यहाँ पे, अगर आपको अपोजिट वर्ड नहीं पता होंगे तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, याद होने चाहिए सबसे पहली बात। तो अगर याद नहीं है तो क्या करना है आपको? देखिए, ए से एम तक लिखिए ABCD, एम के नीचे फिर एन लिखिए और एन से फिर जेड तक लिखिए। इससे आपको सारे अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर सारे के सारे आ जाएंगे। तो इससे यहाँ पे आपको सारे अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, या तो आप ऐसे करिए या फिर याद करिए। और ये काम आप तब भी कर सकते हैं जब आपका एग्जाम चल रहा होता है, यानी कि एग्जाम देने गए और आपको एक रफ शीट मिलेगी, रफ शीट में आप चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 5 को 36 लिखा गया, तो 6 को क्या लिखेंगे? तो ये टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 को 36 कैसे लिख सकते हैं? 5+1 अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। तो यहाँ पे 5+1 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 6+1 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। तो आपका राइट आंसर 49, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हो गए आपके एनालॉजी के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपका है डायरेक्शन से। इसमें बोला जा रहा है, शंकर पी स्थान पर खड़ा है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहली लाइन को पढ़िए और उसको ही जितना बोला गया है उतना काम कर दीजिए। वहाँ वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, तो पी एक स्थान पर खड़ा है, पी ये पॉइंट हो गया। दक्षिण कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली आपकी, ठीक है। तो ये दक्षिण की ओर 10 मीटर चलेगा, तो आपने यहाँ तक चला दिया, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है, फिर वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो 20 मीटर पश्चिम कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी? ये वाली। तो 20 मीटर ये पश्चिम की ओर चलेगा, यहाँ से वो 20 मीटर पश्चिम की ओर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें लेफ्ट राइट को भी नहीं देखना। फिर वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर और चलता है। तो इसके बाद वह दक्षिण की ओर चलेगा, तो दक्षिण की आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो 10 मीटर वो दक्षिण की ओर चलेगा। तो बिल्कुल सीधा यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है। फिर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद 5 मीटर उत्तर की ओर क्यों पहुँच जाता है? तो देखिए, 20 मीटर ये आपका चलेगा फिर पूर्व की ओर, और 5 मीटर चलेगा फिर उत्तर की ओर।
तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जितने भी इन्होंने स्टेप बोले हमने कैसे चले हैं, जैसे जैसे बोलते गए जिस भी डायरेक्शन में मुड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में मुड़ते चले गए। अब फाइनल में वो 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है और क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 5 मीटर उत्तर की ओर क्यू पहुंच जाता है। पी और क्यू के बीच मीटर में की दूरी कितनी है, यानी कि कितनी दूरी है ये आपको बताना है। अब मुझे ये बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर की, 5 इसने कवर कर ली, बची कितनी, 5 मीटर, 5 तो ये हो गई और 10 मीटर ये है क्योंकि पी पॉइंट तो यहाँ पे है, तो क्यू से पी के बीच की दूरी पूछी है, तो 10 ये होगी और 5 ये होगी, 15 मीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे 15 मीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट जैसे जैसे ये क्वेश्चंस में बोलेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों SSC GD के लिए स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट है, 20 टेस्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये 149 रुपीज़ में थे। अब स्पेशल ऑफर के अकॉर्डिंग क्योंकि एग्जाम आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ डिस्काउंट चाहिए हमें, तो 30 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 120 रुपये में आपको टेस्ट मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट मिल जाएंगे, आपको साइड में एक त्रिभुज का निशान बना दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो खुल के आता है वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोड है आपका, डिस्काउंट कोड है SAURABHSPL, अगर आप इस कोड को भरते हैं उसके बाद ही आपको ये 30 रुपये का डिस्काउंट मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 5 से 8 तक, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न आपको बताना है, 5वें को ट्राई करिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन भिन्न है। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे का आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला मेथड यही है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि डिफरेंस चेक करिए। अगर सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, मतलब एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, एक ही सीरीज में आ रहा है, तो आपका वही ऑप्शन अलग हो जाएगा जिसमें जिस सीरीज में डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ सी और ए के बीच में कितने का, -2 का डिफरेंस है। ठीक है, -2 करेंगे सी में से तो ए आ जाएगा, फिर ए और एफ में आपका +5 हो जाएगा, फिर एफ में और डी में फिर -2 का आ रहा है, तो इनके बीच में क्या है, -2 +5 और -2। बी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो टी और एस के बीच में तो भाई केवल -1 का डिफरेंस दिख रहा है, फिर एस और डब्ल्यू के बीच में आपको +4 का दिख रहा है, और डब्ल्यू और वी के बीच में फिर -1 का मेरे को दिख रहा है, तो इन सभी में तो -2 था इस बी ऑप्शन में आपका -1 हो गया, +4 हो गया, -1 हो गया। फिर दोबारा से सी ऑप्शन को देखते हैं, तो सी आई और जी के बीच में फिर -2 का मेरे को नज़र आ रहा है, जी और एल में +5 आ रहा है, और एल से जे में फिर -2 आ रहा है। इसका मतलब -2 +5 -2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, -2 ये हो जाएगा, +5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें, इसमें और इसमें तो आपका -2 +5 -2 की सीरीज चल रही है, और बी ऑप्शन में आपका है -1 +4 -1, तो ऑप्शन बी आपका भिन्न हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको इन सभी अल्फाबेट्स के नंबर पता है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, तो इन क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर एक बार और मैं आपको एक बता देता हूँ, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ए से एम तक लिख लीजिएगा ABCD, फिर एम के नीचे एन और एन से जेड तक लिख लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। और उनके ऊपर नंबर डाल लेंगे और 1 2 3, तो इससे सारे आपको नंबर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूँ तो इसमें आपको भिन्न बताना है, इसमें भी कौन सा भिन्न होगा, तो जल्दी से ट्राई करिए क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो पहले दो नंबर लिखे आपके 1 और 6, यानी कि 16 को आपको डिवाइड करना है 2 से, कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर 40 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 8 56। फिर आप 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 16 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये सभी तो कॉमन चीज़ें को फॉलो कर रहे थे, बट डी वाला ऑप्शन आपका कुछ अलग फॉलो कर रहा है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। भाई समझ में आया, पहले दो जो लिखे हैं आपके 16 यानी कि 16, ठीक है, 40 और 56, इनको लास्ट वाले से डिवाइड कर देना है, तो हर एक में कॉमन आ रहा है 8 8 8, और इसमें हम डिवाइड करते हैं लास्ट वाले से तो यहाँ पे 16 आता है, तो यही भिन्न हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, विजय एक मैनेजर है,
निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इन दोनों कथनों से निकाला जा सकता है? तो आपने यहाँ पे एक बार और ध्यान से पढ़ना है इसको कि कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, कुछ की बात की जा रही है, कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, विजय एक मैनेजर है, तो इनमें से आपको निष्कर्ष निकालना है। देखिए पहले वाला ऑप्शन है विजय ईमानदार है, तो ये कहना गलत होगा कि विजय ईमानदार है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं तो कुछ ईमानदार हो सकते हैं, बट विजय ईमानदार है या नहीं है इस चीज़ का कोई कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर विजय बेईमान है तो ये भी बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ही मैनेजर बेईमान होते हैं, तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि इनमें से विजय बेईमान है, तो ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन आपका विजय या तो ईमानदार है और या बेईमान है, तो या लगा के यहाँ पे जो बात कही गई है इसको हम राइट बोल सकते हैं। भाई देखिए कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, इसका मतलब या तो विजय बेईमान होगा या ईमानदार होगा, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम सही बता सकते हैं। सभी मैनेजर ईमानदार होते हैं तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है यार, बताइएगा मुझे लाइक करके कि वीडियो आपको कैसी समझ में आ रही है और कैसी रही है। विषम शब्द युग्म को चुनिए, इनमें से आपको विषम चुनना है भाई, ठीक है। मरकरी सूर्य, चंद्रमा धरती, तारे आकाशगंगा और चक्का आपको धुरी। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य के ओर को मतलब चारों ओर को मरकरी घूमती है, धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो तारे आकाश गंगा में होते बट घूमते नहीं है, ठीक है ना। और ये आपका जो होता है चक्का, ये धुरी के चारों ओर घूमता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो पहला वाला आपका लिखा है ये इसके चारों ओर घूमता है, ये इसके चारों ओर घूमता है और ये इसके चारों ओर घूमता है, बट तारे आकाश गंगा बोलते हैं तो इसका मतलब यही आपका बिन हो जाएगा, ये इसके चारों ओर नहीं घूमते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें बिन हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या को बताना है, यहाँ पे आपको जो लिखा है ये आपको बतानी है। दोस्तों इस सीरीज में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एट से बढ़ के एक दो तीन चार, चारवें स्टेप पे ही देखिए कितनी बड़ी संख्या ये बन गई है, आपको दिख रही है ना कितनी बड़ी संख्या बन चुकी है, तो इसका मतलब क्या चल रहा होगा, प्लस तो कभी नहीं हो सकता, डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वो घटने वाली सीरीज में होते हैं, जब सीरीज बढ़ती है तो उसमें कंडीशन में स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर और क्यूब में भी इतनी जल्दी सीरीज नहीं बढ़ सकती, मल्टीप्लाई में ही ये सीरीज बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर की मल्टीप्लाई चल रही होगी, आप समझे ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब सीरीज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है यानी कि 8 से बढ़ करके इतनी बड़ी सीरीज बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रही होगी, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि किस नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लाई की जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ सोल्व करने की, तो 8 से 80 कैसे बन सकते हैं 10 की मल्टीप्लाई करके, 880 कैसे बन सकते हैं 11 की मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 11 की होगी, तो नेक्स्ट आपकी 12 की मल्टीप्लाई होगी, तो 880 में जब आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, करके देखिए ये आएगा आपका 10,560 आ जाएगा, ठीक है। तो 10,560 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 10,560 में अगर आप 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 1,37,280 ही आपका बनेगा, तो आपने देखा 8 से 1,37,280 कितना जल्दी ये बढ़ गया मल्टीप्लाई की वजह से। तो ऐसी सीरीज जो बहुत जल्दी फास्टली ग्रो होती है उसमें मल्टीप्लाई चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। एक निश्चित संकेतिक भाषा में होंड को FMSLB लिखा जाता है, होंड माने होता है आपका शिकारी कुत्ता, ठीक है। उसी संकेतिक भाषा में ब्राउन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे भी आपको अगर अल्फाबेट्स के नंबर पता है, H कौन से नंबर पे आता है, O कौन से नंबर पे आता है, तो आप इजीली कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस टू की सीरीज चल रही है। देखिए H से दो पहले क्या आता है आपका F आता है, ठीक है। तो H में से आपने माइनस टू किया तो F आ गया, O में से माइनस टू किया तो M आ गया, U में से माइनस टू करेंगे तो S आ जाएगा, N में से माइनस टू करेंगे तो L आ जाएगा, D में से माइनस टू करेंगे तो B आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ब्राउन को भी करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आप समझिए इस तरीके से ये सभी माइनस टू चल रहे हैं, ठीक है। माइनस टू किया, O में से माइनस टू किया M, U में से माइनस टू किया S, N में से माइनस टू किया तो L, D में से माइनस टू तो B। उसी तरीके से आप यहाँ पे इनको करिए
ब्राउन में भी आपको यही करना है, माइनस टू करेंगे तो जेड आ जाएगा, आर में से माइनस टू तो पी आ जाएगा, ओ में से माइनस टू तो एम आ जाएगा, डब्ल्यू में से माइनस टू तो यू आ जाएगा, और एन में से माइनस टू तो आपका एल आ जाएगा। तो जेड पी एम यू एल इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से। किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 एवं रिस को 2 3 9 8 के रूप में कुटबुद्ध किया जाता है, उसी कुट भाषा में रिवेट्स को कैसे कुटबुद्ध किया जाएगा ये आपको बताना है। तो रिवेट्स का क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से कोड किया गया वैसे ही लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाएगा तो आपने वो लिख लिया, फिर रिस्क को भी आपने 2 3 9 8 लिख लिया, उसके बाद रिवेट्स का आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, आर का क्या कोड किया गया है, आर को 2 नंबर पे लिखा गया तो 2 आप दे देंगे, आई को क्या लिखा गया 3 नंबर पे तो 3 आप दे देंगे, वी को क्या लिखा गया, वी को आपको 4 बोला गया तो 4 लिख देंगे, ई को आपको क्या बोला गया 7 तो 7 लिख देंगे, टी को आपको क्या बोला गया है टी देखिए 6 बोला गया तो 6 आप लिख देंगे, एस को क्या बोला गया है यहाँ पे 9 तो आप 9 लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 3 4 7 6 9 इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना होता है जैसे जैसे ऊपर दिया होता है, मतलब ये आपको करना नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी लाइनें ड्रॉ की हैं, बट आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट प्राइवेट देखना है कि प्राइवेट का एक दे रखा है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट ये नंबर्स यानी सॉरी ये अल्फाबेट्स देखने हैं कि आर का क्या है भाई, आर का 2 है, तो आप डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन को कि 2 कौन से नंबर पे है सॉरी आई का क्या नंबर है, ठीक है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये वाला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया, तो ये आपको लूप संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में उचित संख्या को चुनिए, उचित संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आप इन दो जो गिवन है पहले से ही, इनमें क्या रिलेशन बना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 5 चौक 20 तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं तो ये आपका रिलेशन बन रहा है, 8 3 24 तो यहाँ पे 24 आ गया, 8 और 3 क्या होते हैं 11 होते हैं, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 36, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लूप संख्या वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिए। देखिए डेली जब वीडियोस अपलोड होंगी और आप डेली ही देखेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स नहीं रहेंगे और हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि एक भी वीडियो को मिस मत किया करें, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आज वाली समझ में नहीं आएगी, अगर आप आज देखते हैं तो आज से समझ में आएगा, कल देखेंगे तो कल से समझ में आएगा, परसों से देखेंगे तो परसों से समझ में आएगा, बट डेली देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो आपको इसमें सीरीज में गलत संख्या बतानी है। तो अगर मैं बात करूँ गलत संख्या की तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये सॉरी 2 को छोड़ के 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक एक नंबर को छोड़ के 1 का स्क्वायर किया गया, फिर 2 को छोड़ के 3 का, फिर 4 को छोड़ के 5 का, फिर 6 को छोड़ के आपका 7 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना 49, यहाँ पे 49 आना चाहिए था, क्या लिखा है 50, तो यही आपका गलत हो जाएगा। फिर 8 को छोड़ के 9 आ जाएगा, तो आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये भी आपका ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पूर्ण क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ये एक अव्यवस्थित शब्द दिया गया है, यानी कि उल्टा सीधा लिखा गया है, MUSPOPAPOTIH, इसको जोड़ करके, इन शब्दों को जोड़ करके कौन सा इन चारों में से बनाया जा सकता है। तो कैसे करना होता है भाई इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये चेक करने पड़े, आपको ये देखना है कि जो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, जो नीचे दिया गया है पूरा वर्ड, उसमें से इन अल्फ़ाबेट में को यूज करके बनाया गया है या नहीं बनाया गया, ठीक है। जैसे एम ई आ गया इसमें, तो MOSPOPAPOTI में कहीं भी ई नहीं है, तो ये पहला नहीं बन सकता। फिर यहाँ पे जैसे बी ऑप्शन होगा PHI, तो पी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, अब इसमें कहीं पे भी आपको एल नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना, तो एल ये भी नहीं बनेगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप। फिर जैसे सी ऑप्शन हो गया HIPP, HIPP हो गया, O देखे है, C भी है,
सॉरी सी नहीं होगा, इसमें सी है ना, तो ऊपर आपको कहीं भी सी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपका बचा डी ऑप्शन, तो आप इसको लगा सकते हैं, हिप्पोपोटेमस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और हिप्पोपोटेमस एक आपका मतलब सार्थक यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है जहर सस्ती, ठीक है, जल हस्ती होता है आपका, इसका मतलब एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक जानवर होता है जो पानी में रहता है, हिप्पोपोटेमस। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे चेक करेंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 मिस हो गया था, तो इसको हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं। ठीक है, एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है 36, 45, 15, 30। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे बोला गया कि एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। देखिए मैं हम इसको यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बस में पुरुषों की संख्या 2x होगी और महिलाओं की संख्या अगर x होगी, क्योंकि पुरुष 2 गुने हैं तो 2x हो जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरठ पहुँचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती है। 10 पुरुष उतरेंगे बस से और 5 महिलाएं उसमें चढ़ जाएंगी। अब बस में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए जब इन पुरुषों में से 10 पुरुष नीचे उतर जाएंगे तो 2x में से 10 नीचे उतरे और अब 10 जो महिलाएं थी उसमें 5 चढ़ गई बस में, अब इन दोनों की संख्या इक्वल हो गई, यानी कि 2x - 10 बराबर किसके हो गया, x + 5 के। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझिए पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x को 2x में से माइनस करेंगे तो x बच जाएगा और माइनस का 10 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +5 + 10 कितना हो जाएगा, 15, तो x बराबर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे, तो कुल कितने यात्री होंगे भाई। देखिए 2x तो है आपके पुरुष, तो यहाँ पे 2x प्लस x है, तो यहाँ पे 3x हो जाएंगे टोटल, तो 3x की मल्टीप्लाई आप 15 में कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें मिल गई ना 15, तो 45 आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि कुल 45 यात्री बस में सवार थे जब वो दिल्ली से बस चली थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको और भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी पर्सन आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण XY पर रखा हो। देखिए पर्सन आकृति आपकी ये दी गई है और यहाँ पे मिरर जो रखा है, दर्पण जो रखा है वो XY पर इस साइड पे रखा हुआ है। आपको बताना है कि उत्तर आकृति कौन सी इनमें से बनेगी। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे अगर आपका मिरर यहाँ पे रखा है तो मिरर के पास में कौन सी चीज़ है और दूर कौन सी है। मिरर के पास में इस त्रिभुज का ये वाला हिस्सा है और दूर को क्या है, ये वाला हिस्सा दूर है, तो आपको वैसी ही एक इमेज इधर बनानी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही इमेज बनानी है जैसी यहाँ इधर बनी हुई है, बस आपका ये ही प्रतिबिंब बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये मिरर रखा है तो ये चीज़ पास में है तो ये पास में है, और ये दूर है तो ये मैंने दूरी बना दी। अब ये वाला देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन होगा। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें ये देखिए V जो था ये नीचे को मुड़ गया है, तो ये नहीं हो सकता। फिर इस ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये तो उल्टा ही बना हुआ है, इसी डायरेक्शन में ये है और इसी डायरेक्शन में ये है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसमें V भी ठीक है और बाकी की चीज़ें भी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका V नीचे को मुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये मिरर इमेज वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 20 है आपका वेन डायग्राम से, गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है, तो देखिए गाजर भोजन और वनस्पति तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं।
बट यहाँ पे बात आए तो गाजर की, गाजर एक भोजन का भी, भोजन भी है और एक वनस्पति भी है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है, और देखिए वनस्पति भोजन से मतलब बनती है, सॉरी भोजन वनस्पति से बनता है, गाजर से बनता है। तो ऐसा देखना है आपको वनस्पति को और भोजन को भी कट करे और फिर गाजर भी उसमें हो, तो आपको देखिए ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गाजर, सॉरी गाजर बोलो, भोजन और आपका ये वनस्पति हो जाएगा, और जो गाजर है वो भोजन भी है और वनस्पति भी है, तो ये बीच में आपकी गाजर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ, ये ठीक है, ये दे रखा है, बट इसमें जो गाजर वाला पोर्शन है ये भोजन भी और वनस्पति भी, ये शो नहीं किया गया है। वैसे ही आपका ये वाला शो नहीं किया गया है, इसमें तो एक चीज़ को अलग भी शो किया गया है, और ये तो कभी बन ही नहीं सकता, इसका तो कुछ अलग ही रिलेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भैया आपका, निम्न आकृति मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है। उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करता है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस फिगर को देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसमें मालिक ये है, दलाल ये है और कार्यकर्ता ये है, ठीक है। आपको एक ऐसा पार्ट बताना है जो तीनों को शो करता होगा, तीनों को निरूपित करता होगा। तो यहाँ पे देखिए जो टी वाला पोर्शन है ये दलाल में भी आता है, ये मालिक में भी आता है, ये कार्यकर्ता में भी आता है, ठीक है ना, आपको समझ में आया। तो टी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में लाइक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति कौन सी विकल्प आकृति में छुपी हुई है। तो प्रश्न आकृति आपको दिख रही होगी, एक ये त्रिभुज है और उसके नीचे एक डंडा लगा हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि चारों में से कौन सी आकृति में ये निहित है या कौन सी में ये छुपी हुई है। देखिए अगर मैं इस की बात करूं तो इस वाले में तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो त्रिभुज है और इसकी फिगर और इसकी में बहुत अंतर है, तो ये नहीं हो सकता है। और बी ऑप्शन में मेरे को कहीं पे नज़र आ नहीं रहा, तो ए और बी तो कभी आंसर बन ही नहीं सकते। फिर सी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसमें त्रिभुज भी ठीक है, बट ये जो डंडा है ये इससे हटके लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर मेरे पास सी ऑप्शन बचता है, तो सी ऑप्शन देखिए कैसे हो सकता है, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है और इसमें ऊपर डंडा भी पूरा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको ये चीज़ें, अगर समझ में आ रही है तो बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पे भी आपको कैसे करना है, जो आंसर नहीं हो सकते उसको हटाइए सबसे पहले। जैसे ए ऑप्शन है तो कभी बन सकता है कि आप खुद सोच के बताइए कि क्वेश्चन क्या है और इसका जो उत्तर आकृति दे रखी है वो क्या है, वो कभी नहीं बन सकती। बी ऑप्शन भी कभी नहीं बन सकता है। अब डी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बनता हुआ, बट सी ऑप्शन में मेरे को ये भी दिख रहा है, गोल भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और दो डंडे वैसे ही जैसे ऊपर इस वाले में दिख रहे हैं वैसे ही इसमें भी दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा, ये आपको बताना है। देखिए पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो उसको कैसे करना है। अब ये एक आपको गोलाकार एक पेपर दिया गया है, उसको एक बार तो ऐसे मोड़ा गया है, फिर एक बार ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद इसको कट किया गया है दो जगह से। अब यहाँ पे दो जगह से कट किया गया है, इसका मतलब अगर आप एक बार कट करते और दो बार मोड़ा गया था तो चार इसमें छेद आने थे, बट दो बार कट किया गया है इसका मतलब आठ होने चाहिए। अब इसमें आठ नहीं होंगे उसका रीज़न भी जान लीजिए, क्योंकि अगर बीच में से कहीं से कट किया जाता तो आठ होते, अगर साइड में से कट किया जाएगा तो एक जो आपका छेद बन के आएगा वो दूसरे के साथ में टच हो जाएगा, ठीक है। अभी उसका रीज़न जानेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए कट गोल है और एक आपका ऐसे वी शेप में है, तो जैसे आपका ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें ये दिख रहा है, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता है, मतलब ये आंसर ही नहीं हो सकता है, तो इसको तो हटा दीजिए। बचे आपके पास एक दो तीन ऑप्शन। अब ए ऑप्शन कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कट तो लगाया गया है इस साइड में और ये जो शो कर रहा है ये ऊपर की साइड में शो कर रहा है, यानी कि अगर मैं इस पेपर को देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, इस पर चार लाइनें ये इस तरीके से खुल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट यहाँ लगाया गया है तो यहाँ आने चाहिए ये, ठीक है। और ये कहाँ पर आ रहा है, ये ऊपर आ रहे हैं इस वाले ऑप्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो ये छेद ही बहुत सारे हो गए, दो दो चार दो छः सात आठ, तो ये भी नहीं हो सकता है।
क्योंकि जो छेद जब साइड में कट लगाते हैं तो एक वाला दूसरे साथ टच होके आता है, जैसे ये वाला कट लगाया मैंने पूरा का पूरा, ठीक है, तो दूसरा जब खुलेगा इसी के साथ में टच होके आएगा। तो जो ये दो होते ना, ये अलग अलग दो होते, तो अब ये एक बन गए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये आपका 8 दिखा रहा है वहाँ पे आपके दो कम कर देने चाहिए, यहाँ पे 6 आने चाहिए थे, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन डी, तो डी कैसे हो सकता है भाई, देखिए अब जब आपको एक कट लगाएंगे यहाँ पे तो 4 ये तो बनेंगे ही, ये तो आपको पता ही है, सभी में कॉमन दे रखे हैं। अब जो ये वाला यहाँ पे दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया ना कि खुलेगा तो इस तरीके से, तो इसमें ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो अभी भी अगर देखा जाए तो इसमें कट तो अभी भी 8 ही है, 4 तो ये हो गए। और देखिए अगर इसको मैं बीच में से कट कर दूँ तो दो, एक ऊपर का एक नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का, बट ये मिल गए तो अभी आपको मिले हुए ये छोटे मतलब एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है, एक एक। तो आई होप कि आपको ये कटिंग पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है रीजनिंग की, उनमें कवर कराता रहूँगा। आप वीडियोस को बहुत कम देख रहे हैं तो वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए।